एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूं, जहां पर आज हम बात करेंगे सल्फानोमाइड, जो कि एक ड्रग है जो कि आता है हमारा अंडर केमोथेरेपी। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले थे अपने फार्माकोलॉजी के ऊपर, जहां पर हमने बात करी थी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं दी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो देखेंगे। उसके बाद आपको जो आज हम डिस्कस करेंगे सल्फानोमाइड ड्रग के बारे में, तो वो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो आइए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूंगी जो अभी तक कंटिन्यू जो है मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ सल्फानोमाइड, तो जो सल्फानोमाइड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ड्रग है जो अंडर हम केमोथेरेपी में यूज करते हैं। तो अगर सल्फानोमाइड है तो इसको हम डिफाइन करेंगे दैट दे आर द कंपाउंड्स दैट आर मेड फ्रॉम द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। ये कंपाउंड्स है जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट से बनते हैं और ये एक सिंथेटिक कंपाउंड्स है। तो सिंथेटिक कंपाउंड का मतलब है कि ये जो ड्रग्स है ये बेसिकली किसी जो तैयार हुए हैं, ये बेसिकली सिंथेसाइज ड्रग है जो कि लैब में प्रिपेयर हुए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं। अगर हम सल्फानोमाइड की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो इसका स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज एनालॉग पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। मैंने क्यों बोला एनालॉग पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जो इसका स्ट्रक्चर है वो है एनालॉग पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। एनालॉग मीन्स कि ओरिजिनल नहीं बट कॉपी, और उसका जो कॉपी है वो किसका है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की। तो अगर हम सल्फानोमाइड का जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कॉपी है हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की, तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं दैट इट इज अ एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा पैरा बेंजोइक है, जैसे मैंने बताया कि जो सल्फानोमाइड है इसका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। उनकी सिमिलैरिटीज है, ओरिजिनल नहीं है लेकिन एक दूसरे से वो काफी सिमिलर है, काफी सेम लगते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सल्फानोमाइड है इसकी अगर हम नेचर की बात करते हैं, तो बाय नेचर ये एसिडिक है, साथ ही साथ ये बोथ इफेक्ट अगेंस्ट जो है एक्टिव अगेंस्ट रहता है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ये एक्टिव अगेंस्ट रहता है किसके, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। बाय नेचर एसिडिक है और बाय नेचर आप बोल सकते हो दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखते हैं, जहां पे एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब होते हैं वो ड्रग्स जो हम देते हैं जो केवल हमारी बॉडी में इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के, लेकिन जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लेकिन जो हमारा सल्फानोमाइड है बाय नेचर इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट मीन्स इट इज ओनली इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन अ बॉडी। बैक्टीरियोस्टैटिक इसका नेचर है। तो ये था सल्फानोमाइड का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज एनालॉग पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बाय नेचर इट इज एसिडिक एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट मींस इट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दे आर द सिंथेटिक कंपाउंड, दैट मींस दे आर प्रिपेयर्ड सिंथेसाइज इन लैब, दे आर नॉट नेचुरली, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फानोमाइड। तो जो हम क्लासिफाई करते हैं सल्फानोमाइड, इसको हमने टू कैटेगरीज में किया है, एक जो हम ओरली इसको करते हैं और सेकेंड है जो हम टॉपिकली यूज करते हैं। ओरली यानी कि हम उसको ओरली ले रहे हैं, बाय सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे जीआईटी के थ्रू, उसके बाद जब वो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होता है देन वहां पे क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है इंटू स्मॉल पार्टिकल्स। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां पे वो ब्लड में जाके अदर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी जाता है, उसके बाद थ्रू यूरिन थ्रू स्टूल वो क्या होता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो यहां पे जो सल्फानोमाइड ड्रग्स है
ये टू कैटेगरीज में है जो कि हम ओरली भी देख सकते हैं और ट्रॉपिकली जो हम उसको यूज करते हैं ऑन अ स्किन, तो वो होते हैं हमारे ट्रॉपिकली। ओरली में है कि ये जो ड्रग है वेल एब्जॉर्ब्ड है, यानी ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड नहीं है, ये आराम से अगर आप ओरली लेते हो तो जो हमारी जीआई ट्रैक्ट है उसमें इजिली ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। हमारी जीआई ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का कोई इरिटेंट नहीं होता है अगर हम सल्फोनामाइड लेते हैं, बट पुअरली एंड सम ड्रग्स ऑफ सल्फोनामाइड ऐसे भी हैं जो इंजेक्ट होते हैं ओरली, बट क्या है पुअरली उनका एब्जॉर्प्शन रहता है। थर्ड हमने इसको क्लासिफाई किया है दैट वी यूज ट्रॉपिकली एंड इट इज एब्जॉर्ब ट्रॉपिकली, कि हम इसको ट्रॉपिकली यूज करते हैं और वेल एब्जॉर्प्शन भी रहता है। अगर तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। फर्दर हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है इसको हमने अकॉर्डिंग टू द जो है शॉर्ट एक्टिंग जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया, जिसमें आप देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। यानी जो सल्फोनामाइड है, कुछ ड्रग्स हैं जो केवल 4 से 8 घंटे के लिए वर्क करते हैं तो हमारे शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ ड्रग है इंटरमीडिएट जो 6 से 8 घंटे बात करते हैं, 12 घंटे तक काम करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग जो कि 7 डेज तक काम करते हैं। तो वो उस तरीके से हमने टाइम ड्यूरेशन में सल्फोनामाइड को ड्रग्स मतलब डिवाइड किया है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि हाउ दिस ड्रग वर्क्स, यानी कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा है, तो बेसिकली ये तब वर्क करता है जब हम सल्फोनामाइड ड्रग को कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो बैक्टीरिया होती है, सॉरी जो फॉलिक एसिड रहती है उसकी जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। क्यों करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बाय नेचर इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक, दैट मींस ये इनहिबिट करता है हमारी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। तो यहाँ भी मैकेनिज्म ऑफ वर्क ये कैसे करेगा, सिंथेसिस क्या करेगा, फॉलिक एसिड की इनहिबिट कर देगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है उसको फंक्शन करने के लिए हमारा फॉलिक एसिड की जरूरत लगती है। तो अगर उसे बैक्टीरिया को इनहिबिट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसको फॉलिक एसिड की जरूरत रहती है जब उसे अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये था क्लासिफिकेशन। आइए अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, इंटरमीडिएट ड्रग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। तो आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग, जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्रग्स है इसमें आता है सल्फर सल्फर जेलो और सल्फर डाइजाइन, जो कि केवल वर्क करता है 4 to 8 hours और इसको हम देते हैं 0.5 to 2 grams। इंटरमीडिएट जो कि वर्क करता है 8 to 2 hours, इसको हम 2 gram पर ओरल लोडिंग डोज देते हैं, जिसमें हमारा आता है सल्फर मिथाजोल। लॉन्ग एक्टिंग है जो कि 7 days तक ये ड्रग वर्क करता है, दैट इज सल्फर मिथोजाइलो पैरिडाइजाइन, जो कि हम 2 gram पर ओरल लोडिंग देते हैं। ट्रॉपिकल यूज में हम देखते हैं सल्फर सिटेमाइड, जो कि हम यूज करते हैं फॉर ऑल एनी टाइप ऑफ ऑक्यूलर इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस, और मेलाटाइन जो कि 1% क्रीम यू है, जो कि हम इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ बर्निंग। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके इंडिकेशंस, यानी इस ड्रग को हम कहाँ कहाँ किस किस इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, तो वन इज टॉक्सोप्लास्मोसिस, सेकंड है किसी भी प्रकार का रिकरेंट क्रॉनिक यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, कंजक्टिवाइटिस एज आई टोल्ड यू यूज ऑफ ऑक्यूलर, फिर प्रोफिलैक्टिक यूज यानी कोई भी प्रकार का जो स्ट्रेप्टोकोकस से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया से हुआ तो उस केस में हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट यानी कि ये ड्रग हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, किन सिचुएशंस में, अगर न्यूनेट है तो हम उनको नहीं दे सकते, अर्ली लेट प्रेगनेंसी है तो हम नहीं दे सकते, अगर किसी पेशेंट को जो है इस ड्रग से किसी भी प्रकार की एलर्जी है सो हम उन केस में नहीं देंगे, साथ ही साथ अगर जो पेशेंट है उसकी रीनल इनसफिशियंस है या फिर हेपेटिक डिजीज या फिर आप बोल सकते हैं लिवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिक जो है इंक्रीज होंगे, देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक्स और उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, तो इस चीज में हम उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। अब इस ड्रग अगर ज्यादा यूज है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, दैट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा रैशेस और फीवर रहेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एज आई टोल्ड यू, क्रिस्टल यूरिन यानी कि क्लाउडी यूरिन या फिर इन यूरिन क्रिस्टल्स कैन बी सीन, कैन इट
स्टेरस यानी कि अगर जो बच्चों में जो है जॉन्डिस अनट्रीटेबल हुआ है, जॉन्डिस अनट्रीटेबल है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैनिस्ट्रस हो सकता है यानी कि ब्रेन डैमेज, फोटो सेंसिटिविटी। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पे मैंने आपको सल्फानोमाइड के बारे में बताया, कुछ ड्रग्स जो हम बहुत अपने जो कुछ हॉस्पिटल्स में हम बेसिकली यूज करते हैं, इसके अंडर जो ड्रग्स आते हैं उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया, हमने उसको समझाया, डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो जो है फार्माकोलॉजी का है, यूनिट सेकेंड में से केमोथेरेपी के अंडर आता है। आई होप ये वीडियो सारे बीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी मैं अब जो है फार्माकोलॉजी की कुछ मेन ड्रग्स हैं उनके ऊपर वीडियोस लेते आऊंगी। और अगर आप चाहते कोई ऐसा टॉपिक है नर्सिंग का या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं मैं बेसिकली उसी पे बनाऊं तो आप मेरे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।